हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मदर्स वारंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सप्लीमेंट्री रीडर। इन सप्लीमेंट्री रीडर आई विल टीच यू चैप्टर सेकंड। द नेम ऑफ चैप्टर सेकंड, द एडवेंचर ऑफ अ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी रीड टू पार्ट ऑफ दिस लेसन, बट नाउ वी स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडफादर, व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडफादर, ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन ए स्टेबल, वेयर ही हैड ए फॉर ए कंपेनियन द फैमिली गंकी नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। टू सी सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हैट एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। ठीक है, कह रहा टू हिम टोटो फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडफादर। जब टोटो को ग्रैंडफादर के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल हाउस इन स्टेबल, तो दादाजी ने उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया। वेयर जहाँ पे ही हैड फॉर ए कंपेनियन फॉर फैमिली डंकी, जहाँ उसके एक साथी, उसके पारिवारिक साथी डंकी नाना रहते थे, जहाँ उसके पारिवारिक साथी डंकी नाना थे। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, टोटो की जो पहली रात थी, टोटो की पहली रात अस्तबल में टोटो की पहली रात ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी। दादाजी अस्तबल में टोटो की पहली रात को दादाजी ने ये दादाजी ये देखने के लिए गए, कह रहा है कि ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी। दादाजी उसे देखने के लिए गए कि क्या ही वाज अ कंफर्टेबल, कि क्या उसके लिए आराम है। यानी कहने का मतलब, यानी जब पहली रात को उसे अस्तबल में रखा गया तो वो उसे ये देखने के लिए गए कि उसे टोटो को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, कि वो आराम से था। टू ही सरप्राइज, उसके आश्चर्य से ही फाउंड नाना, उसने जो है नाना को पाया विदाउट अपरेंट कॉज, बिना स्पष्ट कारण के उसे नाना मिल गया, नाना को प्राप्त किया। पुलिंग एट हर हाल्टर, जो अपने रस्सी से खींचे हुए थे, समझ गए, जो वो इस बिना स्पष्ट कारण से उसने अपनी रस्सी खींचते हुए और अपने सिर पर अधिक से अधिक संभव घास के ढेर से दूर रखने की कोशिश करते हुए उसने नाना को पा लिया। फिर आगे कह रहा कि हे मने, घास फूस की बंडल। फिर कहे ग्रैंडफादर गिव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर बुचेज, यानी ग्रैंडफादर ने नाना के उसके पुट्ठों पर एक थप्पड़ जड़ दिया। यानी फ्लैप से मतलब पट्टा, थप्पड़ होता है, क्रॉस हर पाउचेज, जैसे नाना नहीं नानी है, ठीक है, पूछे उसे पुट्ठों पर एक थप्पड़ जड़ दिया। एंड सी जर्क बैक, और वह जो है उसे पीछे से झटका लगा, वह उसे झटके से पीछे हटी, ठीक है, उसे पीछे झटका लगा। एंड कह रहे ड्रैगिंग टोटो विधर, और अपने साथ में टोटो को खींचते हुए ही हैड फॉस्टेंड ऑन हर लॉन्ग ईयर विथ अ शार्प लिटिल टीथ, और वो अपने तेज छोटे दांतों से उसके कानों के पास उसे गड़ाए हुए थे। यानी देखो कह रहा है कि अपने साथ टोटो को खींचते हुए उसने अपने तेज छोटे दांतों से नाना के कान पे, नाना
सिन्हा के कानों पर गड़ाए हुए थे। He had fastened to on her to long ear and with her with his short teeth. Toto and Nana never became friends. Toto और Nana कभी जो है मित्र नहीं बने, फ्रेंड नहीं हुए। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by the grandfather for his bath. लेखक कह रहा है कि टोटो के यानी ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, यानी टोटो के लिए सर्दियों की शाम को सबसे बड़ा उपहार दादाजी के द्वारा उसे नहाने के लिए दिया गया गर्म पानी। आगे कह रहे हैं बाय ग्रैंडफादर, समझ गए कि ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, ट्रीट का मतलब उपहार, एक बड़ा उपहार टोटो के ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर ठंडियों के दौरान, शाम को ठंडियों के दौरान वास ए लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर यानी गर्म पानी, एक कटोरा गर्म पानी गिवन बाय ए ग्रैंडफादर के लिए ग्रैंडफादर के द्वारा उसे दिया गया फॉर हिज बाथ माने उसके नहाने के लिए। ही कुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर और इस तरीके से वो गर्म पानी वह बड़ी चतुराई से अपने हाथ में तापमान की जांच करता था। समझ गए कि ही उठ कनिंगली मैंने चतुराई से टेस्ट मैंने परीक्षण किया द टेम्परेचर मैंने तापमान को विद हिज हैंड मैंने अपने हाथ से देन ग्रेजुअली तब सामान्यता स्टेप इन टू द बाथ तब जा कर के उसने नहाया। स्टेप इन टू बाथ फर्स्ट वन फूट देन अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, ठीक है। लेखक कह रहा है कि फर्स्ट वन फूट पहले उसने पैर रखे, ठीक है, पहले जो है पांव, तब दूसरा जैसा उसने मुझे करते हुए देखा था, जैसा मुझे उसने करते हुए कौन दादाजी को टोटो ने जैसे करते हुए देखा था वैसा उसने भी किया। As he had seen me doing until he was into the water up to his neck, और फिर कह रहा है कि अंत में वह पानी में अपने गर्दन तक भर गया बैठ गया मतलब गर्दन तक होता था। फिर कह रहा है once comfortably एक बार आराम से हुआ and once comfortably he could take the soap आराम से उसने in his hand अपने हाथ और पैर में and rub himself all over और चारों हर जगह जो है पूरी तरीके से उसने रगड़ लिया सॉप अपने साबुन को। When the water became cold और जब पानी ठंडा हो गया he could get out वो वहाँ से बाहर आ जाएगा and run as quickly as he could do किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ और जितनी तेजी से होता हुआ रसोई की आग तक अपने को सुखाने के लिए दौड़ जाता फिर कह रहा है क्विकली एज ही पुट किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिम्स अपने आप को सुखाने के लिए किचन फायर यानी किचन की आग में जाके सुखाने के लिए पहुँच जाता है। इफ एनी वन लव्ड यदि कोई हंसता एट हिम उस पर टू ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस के इस प्रदर्शन के दौरान यदि कोई हंसता तो टोटोज फीलिंग टोटो की जो फीलिंग्स थी भावनाएँ थी वुड बी हर्ट चोटिल होती थी मुझे दुख होता था एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बेथ और इस प्रकार से अपने नहाने के दौरान नहाते समय जो है ये करने से मना कर देते रिफ्यूज मैंने इनकार कर देता था। वन डे टोटो नियरली एक दिन जो है टोटो लगभग जो है सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव एक दिन तो टोटो जीवित ही स्वयं को उबाल ही लेता था उबाल ही रहा था
समझ गए, यानी वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग, बॉइलिंग मनी उबालना हिमसेल्फ मन स्वयं के लाइफ मैंने जीवित जीवित अपने आप को उबालना, मतलब गर्म पानी भी दिया तो उस गर्म पानी में ही अपने आप को नहाना शुरू कर दिया, उबाल दिया। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर द पीट ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल दिस वॉज द जस्ट फाइन फॉर द वाइट अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट गॉट आउट एट डाउन अगेन He continued hopping up and down for some time until grandfather arrived and hauled him half boiled out of the kitchen. लेकर कह रहा है कि a large kitchen kettle, एक बड़ी रसोई की केतली, kitchen kettle का मतलब रसोई की केतली, had been left on the fire, had been left on the fire, आग पर फायर बॉयल फॉर टी, यानी चाय के लिए, चाय उबालने के लिए छोड़ दी गई थी। देखा क्या पे कह रहा है कि एक बड़ी रसोई की केतली जो है आग पर चाय उबालने के लिए छोड़ दी गई थी। एंड टोटो फाइंडिंग, और टोटो जो है कुछ और फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर, कुछ और बेहतर करने को ना पाकर, With nothing better to do, कुछ बेहतर करने को ना पार करके, decided to remove the lid. उसने ढक्कन, lid मैंने ढक्कन को हटाने का निश्चय किया, फैसला किया। Finding the water just warm, और गर्म पानी को पाते हुए, पर्याप्त गर्म पानी को पाते हुए, for bathe मैंने नहाने के लिए पर्याप्त गर्म पानी को पाते हुए, he got in with his head sticking out from the open kettle. गुनगुने पानी को पा करके अपना सिर खुली केतली से बाहर निकाल करके वह उसमें घुस गया। फाइंडिंग वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बेथ ही गॉट इन, मने वह प्रवेश कर गया विथ हिज हेड, अपने सर को स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, खुली केतली में घुस गया। फिर कह रहा दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए व्हाइल, यानी कुछ समय तक तो सब बढ़िया था, अनटिल ही वॉज, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए केटल, कुछ समय तक तो अच्छा था, फाइन मानी अच्छा, कुछ समय तक तो अच्छा था, अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक पानी खौल नहीं रहा था, जब तक पानी खौलने नहीं लगा, उबलना प्रारंभ नहीं हुआ। टोटो रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, तब टोटो जो है अपने खुद को जो है थोड़ा सा उठाया हिमसेल्फ ए लिटिल, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन अपने आप को बाहर ठंड पाया, उसे सर्दी लगी कि बाहर सर्दी पा करके आउटसाइड सेट डाउन अगेन, फिर नीचे बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर अ सम टाइम, वो कुछ देर तक जो है लगातार उछलता रहा, मतलब अप डाउन करता रहा, अनटिल द ग्रैंड मदर, जब तक ग्रैंड मदर जो है, दादी माँ जो है, अराइव्ड, और जब तक दादी माँ आ गई और उसे एंड हाउल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और उसे आधा उबला केतली से बाहर खींच लिया, पूरी तरीके से नहीं बल्कि आधा उबला हुआ केतली से बाहर खींच लिया। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड इन मिस्चीफ दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, उसने कहा कि यदि देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, यदि मस्तिष्क का कोई भाग जो है विशेषता शरारत से, मिस्चीफ बने स्पेशली बने विशेषता शरारत में, मिस्चीफ बने शरारत के लिए समर्पित कर दिया जाए, डिवोटेड मैंने समर्पित कर दिया जाए तो क्या होगा, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो,
तो वह भाग जो टोटो से अधिक विकसित हो जाए। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीस, वह हमेशा चीज़ों के फाड़ तोड़ कर टुकड़े करता रहता था। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग मैंने फाड़ना, थिंग्स मैंने वस्तुओं को पीस मैंने टुकड़ों में। व्हेन एवर वन ऑफ माई आंट, जब कभी मेरी कोई चाची, व्हेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर मी, जब कभी मेरी कोई चाची मेरे करीब आती थी। ही मेड एवरी एफर्ट्स टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, और तो वह उसकी पोशाक, ड्रेस मैंने पोशाक, उसकी पोशाक पकड़ने और उसमें फाड़ कर छेद करने का हर प्रयास करता था। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड द टोटो शफलिंग हिमसेल्फ द राइस। लेखक कह रहा है कि वन डे, एक दिन जो है एट लंच टाइम, दोपहर के भोजन के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव, पुलाव का बड़ा जो है डिश जो है स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के बीच में रखा हुआ था। वी इंटर्ड द रूम, हम कमरे में प्रवेश किए टू फाइंड टोटो, टोटो को पकड़ने के, टोटो को पाने के लिए, जो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, दाखिल हुए, प्रवेश किए, टोटो जो क्या था, टोटो चावल से, विद राइस मैंने चावल, जो चावल से ठूस कर खा रहा था। स्टफिंग का मतलब ठूस कर खाना, स्टफिंग स्वयं ठूस कर खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चीखी, एंड टोटो थ्रू द प्लेट एट हर, और टोटो ने जो है अपनी प्लेट उसकी तरफ फेंक दी, एक प्लेट उसकी तरफ फेंकी। वन ऑफ माई आंट, उनमें से मेरी एक चाची, रस्ट फॉरवर्ड आगे की ओर भागी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन ए फेस, और उसके चेहरे में जो है एक ग्लास पानी फेंक दिया। फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर अराइव, जब ग्रैंड फादर आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ द पुलाव, जब ग्रैंड फादर आए यानी उन्होंने अपने चेहरे पर पानी का गिलास पाया, जब दादाजी आए तो टोटो ने पुलाव की थाली उठाई। टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, उठाई आयन खिड़की से बाहर निकल गया, एग्जिट माने बाहर चले जाना, एग्जिट थ्रू अ विंडो, खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम, हमने उसे पाया कि इन ए ब्रांचेज ऑफ अ जैकफ्रूट, जैकफ्रूट का मतलब कटहल, जैकफ्रूट ट्रीज यानी कटहल के, जब हमने उसे पाया कि हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं में पर अभी भी अपनी बाहों से थाली लिए पाया, ब्रांचेज ऑफ जैकफ्रूट। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, यानी थाली जो थी वो उसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरे दोपहर जो है वहीं रहा। एंड ईटिंग स्लोली, और धीरे धीरे खाता रहा, थ्रू द राइस, चावल से जो है धीरे धीरे खाता रहा। एंड डिटरमाइंड ऑन द फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और पूरे अनाज को समाप्त करने का के लिए दृढ़ संकल्प था। एंड देन, और तब जो है, इन ऑर्डर टू इंस्पायर ग्रैंड मदर, और इस प्रकार से उसी तरह ग्रैंड मदर यानी दादी माँ के बावजूद, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और तब जो है दादी जी को परेशान करने के लिए, जो कि वह उस पर चिल्लाई थी, उसने पेड़ से ही थाली को नीचे फेंक दिया। उसने स्क्रीम्ड, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से ही थाली को फेंक दिया। एंड चैटर्ड द विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू द 100 pieces, और जब वह सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई तो आनंद से उसने दांत जो है ब्रोक इनटू द 100 pieces, तब उसने आनंद से जो है अपने दांत किटकिटाने लगे, या अपने दांत जो है निकालने लगे, दिखाने लगे।
तो बच्चों आज हम इस पार्ट को यहीं तक सम रखते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ को समाप्त करेंगे। तब तक सभी बच्चे इसको ध्यान से वीडियो को पढ़ेंगे और इसकी मीनिंग क्या है।